अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है वो बेसिकली है स्लिक्स डीएस साशे। स्लिक्स डीएस साशे को हम डिस्कस करेंगे आज और इसके बारे में जानेंगे ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। स्लिक्स साशे बेसिकली मैट्रिक्स फार्मा का एक प्रोडक्ट है जो दो पोटेंसी में आता है, एक स्लिक्स कॉमन साशे आता है और एक स्लिक्स डीएस आता है। डीएस बेसिकली स्टैंड कर डबल स्ट्रेंथ से। इसकी प्राइस जो मैं वो गाइड करता चलूँ, इसकी प्राइस है 890 रुपये इसकी प्राइस है और इसको मार्केट करती है मैट्रिक्स फार्मा और इसको मैन्युफैक्चर किया हाइनोकॉन ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में गाइड कर चलो, मैं प्राइस बता चुका हूँ इसकी 890 रुपीज़ इसकी प्राइस है और इसके अंदर पर पैक साशे होते हैं वो हैं 7 साशे अवेलेबल हैं। तो स्लिक्स डीएस साशे की जो कंपोजिशन है उसके अंदर मायोनोसिटोल डाला गया है 2200 मिलीग्राम मायोनोसिटोल और उसके अंदर डी शायोनोसिटोल डाला गया है 300 मिलीग्राम। अब डी शायोनोसिटोल भी कहते हैं इसको, डी कायोनोसिटोल भी कहते हैं, इसके डिफरेंट प्रोनंसिएशन है। उसके अलावा इसके अंदर डाला गया फोलिक एसिड जो कि 400 माइक्रोग्राम है। फॉलिक एसिड के अमाउंट 400 माइक्रोग्राम है, मायोनोसिटोल की जो अमाउंट है वो 2200 मिलीग्राम है और डी शायोनोसिटोल की 300 मिलीग्राम है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि मायोनोसिटोल और डी शायोनोसिटोल का जो कॉम्बिनेशन है फॉलिक एसिड के साथ किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिसके बारे में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्लिक्स डीएस। स्लिक्स डीएस बेसिकली इस्तेमाल होता है उन फीमेल के अंदर जिनको पीसीओएस का मसला होता है। पीसीओएस बेसिकली स्टैंड करता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अलावा मायोनोसिटोल और डी शायोनोसिटोल को हम कम्प्लीट डिस्कस करेंगे। मायोनोसिटोल बेसिकली बिलोंग करता है बी फैमिली के विटामिन ग्रुप से। ये बेसिकली इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ये होता है कि फिजियोलॉजी के अंदर बॉडी के अंदर ये आपकी ओवुलेशन के अंदर हेल्प आउट करवाता है और FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन दोनों की रेशो को मॉड्यूलेट करता है और साथ ही साथ ये आपके अंदर जितने भी टेस्टोस्टेरोन हैं उसके लेवल्स को और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जिसको हम SHBG कहते हैं उसके लेवल्स को मॉडरेट रखता है। इस सब के अंदर मैकेनिज्म के अंदर इसका जो मॉड्यूलेशन का रोल है इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली जितने भी PCOS के इश्यूज़ हैं वो फीमेल्स में नहीं शो होते। अगर वो PCOS के इश्यूज शो होते हैं वो कौन कौन से हैं वो बता सकते हैं। सबसे पहले तो हिर्सुटिज्म है। हिर्सुटिज्म कहते हैं कि फीमेल्स पे हेयर लाइक ग्रोथ होती है फीमेल के फेस पे, फेशियल हेयर ग्रोथ को हम बोलते हैं कि आपके चेहरे पे बाल आने लग पड़ते हैं, वो PCOS की अलामत में से एक अलामत है। उसके अलावा ओलिगोमेनोरिया होता है। ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है? ओलिगोमेनोरिया का मतलब ये होता है कि जो आपके मेंसेस आ रहे हैं, जो आपकी बेसिकली पीरियड्स आ रहे हैं वो बहुत कम हैं, जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत कम है। उसके अलावा एमेनोरिया होता है या आपको एवोल्यूशन होती है। बेसिकली इसका मतलब ये है एवोल्यूशन का कि आपका जो एग है वो फॉर्मुलेट नहीं होगा या ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो उसको एवोल्यूशन भी बोलते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था आपको हिस्टोरिज्म एक्नी का इशू होता है। एक्नी बेसिकली कॉमनली होती है फीमेल्स में जब भी आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज होती हैं तो उसके अंदर मेजरली आपके अंदर जो बॉडी के अंदर हार्मोन का डिस्टर्बेंस होने की वजह से आपको एक्नी फेस पे पिंपल्स या दाने बन जाते हैं। उसके अलावा कॉमनली जो फीमेल में इशू देखा जाता है PCOS के अंदर वो सबसे जो मेजर इशू है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। जो इंसुलिन के लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है और इंसुलिन और ग्लाइकोजन के लेवल्स हैं उसको मॉडरेट रखने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इंसुलिन की डिसेंसिटाइजेशन करने के लिए बेहतरीन तौर पर स्लिक्स डीएस साशे इस्तेमाल की जरूरत है। तो वो ज़्यादातर डिटेल में हम इसको नहीं जाएंगे लेके, लेकिन आज हम इसको हम बताएंगे कि PCOS वाली फीमेल्स के लिए एक बेसिकली डाइटरी सप्लीमेंट है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो बहुत से मसलों से बच सकते हैं जिसमें कॉमन इशू है आपका इनफर्टिलिटी का इशू। अब जिन फीमेल्स में एवोल्यूशन है बेसिकली एग नहीं बन रहा, अगर ओवुलेशन नहीं हुई तो उसमें भी स्लिक्स डीएस साशे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा फीमेल्स में जिनमें FSH और LH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उनकी जो रेशो है उसको मॉडरेट करने के लिए भी बेसिकली ये स्लिक्स डीएस साशे इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा फीमेल जिनके अंदर बेसिकली फॉलिकुलर स्टिमुलेशन होती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन बेसिकली ओवुलेशन के दौरान जो एग है उसके अंदर फॉलिकुल्स के अंदर जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए भी स्लिक्स डीएस साशे जिसमें मायोनोसिटोल और शायोनोसिटोल है वो अपना रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो फीमेल्स के अंदर इशू होते हैं उसके अंदर एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का इंबैलेंस होता है। एंड्रोजन बेसिकली मेल हार्मोन को बोलते हैं और एस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल हार्मोन को बोलते हैं। जब फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हिस्टोरिज्म होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, मेल लाइक सिम्टम्स आते हैं, एक्नी होती है, उसको ये कम करेगा। और दूसरा फीमेल्स के अंदर SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन उसको इंक्रीज करेगा। जब फ्री सेक्स हार्मोन है उसको इंक्रीज करने से बेसिकली एस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उससे बेसिकली ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें देखी जाती है ये बॉडी के अंदर आपके अंदर जितने भी हिस्टोरिज्म एक्नी है उसको साथ साथ ट्रीट करने के साथ साथ उसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर ये करेगा कि आपके अंदर जितने भी हाइपर इंसुलिनीमिया के इशू हो रहे हैं
कि इंसुलिन के इश्यूज ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं उसको भी ट्रीट करेगा, कि मतलब बॉडी में जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोड्यूस होने के बाद आपकी बॉडी में वो एडिक्वेटली एब्जॉर्ब नहीं हो रही, जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही या अपना फंक्शन नहीं हो प्ले कर रही तो उसकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। उसका मतलब ये होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, उसको हम कॉमनली ये बोल सकते हैं कि वो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि इंसुलिन सीक्रेट कर रही है बॉडी लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। ये दोनों लोगों में देखा जाता है, जिन लोग मोटापा जिनमें होते हैं और सारे पीसीओएस होते हैं उन लोगों के अंदर भी देखा जा सकता है, और जो लोग पतले होते हैं जो मतलब कमज़ोर होते हैं दुबले पतले होते हैं उनमें पीसीओएस के साथ ही मसला देखा जा सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ट्रीट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात मालूम चाहते हो तो आप कमेंट्स में लाजमी अपने क्वेश्चन पोस्ट करें। पीसीओएस के ऊपर डिटेल वीडियो हम लाजमी इंशाल्लाह बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।